मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में एक पखवाड़े पहले इंदरगंज थाना क्षेत्र के चित्रगुप्तगंज में नगर निगम की कचरा गाड़ी की चपेट में आकर जान गंवाने वाली 1.5 साल की काव्या अग्रवाल की मौत के मामले में महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को नगर निगम उचित मुआवजा दे, क्योंकि यह हादसा नगर निगम के वाहन और उसके चालक की लापरवाही से हुआ है। वहीं गली मोहल्ले में नगर निगम भारी वाहनों को कचरा कलेक्शन के लिए नहीं भेजे, इसके लिए वह ई रिक्शा या दूसरे छोटे वाहन भेजे, जिससे किसी परिवार को इस जैसी घटना से दोबारा रूबरू नहीं होना पड़े। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रुचि राय गुप्ता की अगुवाई में कांग्रेस नेतियां निगम कमिश्नर किशोर कन्याल से मिली और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्रवाई का आश्वासन निगम कमिश्नर ने महिला कांग्रेस के प्रतिनिधियों को दिया है। खास बात यह है कि घटना के बाद से गली मोहल्लों में कचरा कलेक्शन का काम भी एक तरह से बंद हो गया है। उसे दोबारा से शुरू करने को भी महिला कांग्रेस ने आवेदन किया है, जिससे दिवाली जैसे पर्व पर गली मोहल्ले में कचरे के ढेर नहीं लगे। करीब 15 दिन पहले एक बच्ची जो कि निगम की गाड़ी कचरे की जो गाड़ी थी उसके नीचे आ गई थी, 18 माह की बच्ची थी और ऑन स्पॉट ही वो चली गई। तो आज मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक लेटर प्राप्त हुआ जो कि उस बच्ची कोयना नाम था, उस बच्ची का काम्या और उस बच्ची की माँ ने मुझे एक लेटर दिया कि वो चाहती है कि एक तो 15 दिन से यहाँ कचरा नहीं आया, 10 दिन से गाड़ियाँ नहीं आ रही वो आए, दूसरा बड़ी गाड़ियाँ चूँकि इनकी बच्ची के साथ हो गया औरों के साथ ना हो, छोटी छोटी गलियों में बड़ी गाड़ियाँ ना घुसें, तो ई रिक्शा या हाथ ठेला एक अच्छी शुरुआत है कि वो चाहती कि और भी लोगों के साथ हादसा ना हो, इसके लिए इन्होंने मुझे एक लेटर दिया था। साथ में वो ये भी चाहती है कि ये जो हादसा हो गया उसके साथ मुझे मुआवजा चाहिए। मुआवजा भी बनता है क्योंकि गाड़ी हो चाहे निगम हो, इन लोगों की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई है। और वो जब आए थे ये तो एकमात्र 10,000 का लिफाफा देके निगम से और उनको जारी किया गया कि आप ये मदद है। तो मैं समझती हूँ कि निगम अधिकारियों को भी थोड़ा सा ये संज्ञान में लेना चाहिए। और निगम पूरी तरह से मध्य प्रदेश भाजपा शासित है, हर जगह ग्वालियर में आप आलम देखिए कचरा का ढेर लग चुका है, जानवर मवेशी सारे घूम रहे हैं। क्या ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हर जगह इन्हीं का शासन है भाजपा का। तो वो अब होश में आए, उनको ये सोचना चाहिए। शिवराज जी जो मामा बोल रहे हैं उनकी एक भांजी बलि चढ़ गई निगम की गाड़ी कचरे की गाड़ी पे, तो वो अब क्या एक्शन लेते हैं इस पर। अब वो सदमे से बाहर आई है और वो चाहती है मामा जी से भी निगम अधिकारियों से भी कलेक्टर से भी गुहार लगाएंगे हम लोग, उस बच्ची को उसका अधिकार मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसकी माँ को भी जो वो भटक रही है जगह जगह, इसने इतनी फ़ोन लगा ली तो उसको भी उसका पूरा मुआवजा मिले। बीच में एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी जिसमें नगर निगम के एक वाहन से एक छोटी सी बच्ची जो 1.5 साल की थी चल के मर गई थी। हालांकि नगर निगम की तरफ से हमने तत्काल उनको राहत के लिए भेजा था बुझा हुआ हूँ और मैं खुद भी गया था, तो उस समय ऐसा कोई इशू नहीं आया था। आज वो कुछ और लोगों के साथ डेलीगेशन मिली हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि कुछ मुआवजे की राशि मिलती है तो वो किसी चैरिटी को देने के लिए करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या अपन बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो घटना घटी वो दुखद थी, उस पर हम लोग नगर निगम का पूरी सहमति पूरी उनके साथ में थी और हम लोग उनके साथ में हैं और बाकी इशू चलते रहते हैं। मैंने आपको बताया जो लेडी दूसरी आई थी वो गरीब थी, कहती हमें कुछ दे दो ताकि हम लोग अब रोज रोटी कमा सकें। सफाई को लेकर देखो हमारी टीम ऑलरेडी काफ़ी लगी हुई है सफाई, चूँकि इस समय क्या होता है कि जो कचरा होता है वो बढ़ जाता है, हर घर से अपना कचरा निकल रहा है, मार्केट में भी आ रहा है। अभी हमने जो मार्केट एरिया है उसमें शाम की शिफ्ट प्रारंभ कर दी है, स्वीपिंग मशीन रात भर चल रही है, मैं खुद भी बीच में 2 दिन पहले रात को राउंड लिया था। तो हम जितना बेस्ट कर सकते हैं अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस उसे कर रहे हैं। घर रखने की बात है, धीरे धीरे सब चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं, चीज़ें जो बंद पड़ी थी वो चीज़ें चालू हो रही हैं, कुछ दिनों में हमारे प्लांट भी चालू हो जाएंगे तो हमारे फिर सफाई का काम और फास्ट पड़ जाएगा। आपने देखा होगा कि गोबर कलेक्शन भी हमारे द्वारा डेयरी की प्रारंभ कर दिया गया है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जिससे कचरा थोड़ा कम दिख रहा है, गंदगी कम दिख रही है। धीरे धीरे प्रोसेस है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।